Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Awar Zahid and I'm a second year medical student, and in this video we'll be going over microarrays. This is the second video on microarrays, and microarrays itself is the third scary topic that we are doing for A-level biology. And I would want you guys to watch the previous video if you haven't, because they're both linked, and trust me, by the end of this video everything will make sense, because I know in the last video in the end it became a bit, you know, overwhelming. It seemed a bit all over the place, but this is just how microarrays are. The subtopics, they're really confusing, but once you do the entire chapter, the entire, you know, topic, so then it all comes together. So isliye don't worry, and let's start with the microarray technique. Alright guys, so talking about the microarray technique, the first thing that I want you guys to look at is, what we're doing is that we're extracting mRNA from target cell. That, okay, let's say our target cell is, let's say it's a cheek cell or whatever, I don't really care, let's say jo bhi hai, okay, so mRNA from target cell. And just make sure you guys know that I cannot selectively pick mRNA, so I will be taking all the mRNA. Okay, so the cell, usme jitna mRNA pada hua hai, main sara mRNA utha raha hunga abhi, theek hai. Second step kya hoga? Second step hoga कि मैं इस mRNA को कन्वर्ट करवा दूंगा थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनटू समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA, cDNA. द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन में नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन के अंदर DNA टू mRNA जा रहा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर mRNA टू cDNA जा रहा होता है. ठीक है, प्रीटी सिंपल. ओके गाइज, अब जो अगली चीज़ है ना, इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है. ठीक है, cDNA. अच्छा, इस cDNA को ना मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टैग कर देता हूँ. ठीक है, टू मेक माई टैग्ड cDNA. ठीक है, टैग्ड cDNA. ओके गाइस, व्हाट इज दिस? ओके, सो ऑल ऑफ यू नो व्हाट एप्पल एयर टैग्स आर, राइट? एप्पल एयर टैग्स. ठीक है, एप्पल के जो एयर टैग्स होते हैं ना, सबको पता है राइट क्या होते हैं? ओके, नहीं पता तो जाके गूगल कर लो. ठीक है, सो एप्पल एयर टैग्स, मैंने क्या किया, सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वे, कि आई हैव अ सूट केस. ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि डज नॉट, यू नो, आई डोंट लूज इट, एंड आई ऑलवेज नो कि इसकी लोकेशन क्या है, मैंने क्या किया है कि मैंने अपने सूट केस के अंदर ना एक एप्पल एयर टैग डाल दिया. ठीक है, सो आई हैव प्लेस्ड एप्पल एयर टैग, द कलर हैज़ टू बी डिफरेंट, ओके, इन माई सूट केस. गाइज, इससे मुझे क्या हो रहा है, मुझे लोकेशन पता चल रही है. ठीक है, आई नो एग्जैक्टली वेयर माई सूट केस इज. ठीक है, दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. गाइज, ओवर हेयर ये वाला टैग भी सेम काम कर रहा होता है. ठीक है, कि बिकॉज दिस पार्ट cDNA, इट्स वेरी स्मॉल, वी टॉकिंग अबाउट यू नो मॉलिक्यूलर लेवल, तो हमारे लिए इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट फॉर एस टू डिटर्मिन कि अच्छा, यू नो, वेयर इज़ द cDNA, इज द cNA बाइंडिंग और नॉट टू द माइक्रोएरे, वेयर एग्जैक्टली इज इट बाइंडिंग. ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि हम cDNA को टैग लगा देते हैं, सो वी मेक टैग्ड cDNA. ओके, वॉट इज दिस टैग? दिस टैग इज फ्लोरेसेंट. ठीक है, दिस टैग इज़ फ्लोरेसेंट. और जब मैं अपना माइक्रो, मैं ये सारा प्रोसेस कर लेता हूँ ना, आई बेसिकली शाइन अ लेज़र, एंड द लेज़र इज़ गोइंग टू मेक द टैग फ्लोरेसेंट. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई नो द लोकेशन. डोंट वरी, एक सेकेंड, इस थॉट को अपने दिमाग में एक सेकेंड के लिए पॉज कर दो, एंड लेट्स मूव ऑन. ओके, एक सेकेंड के लिए बस पॉज कर दो, अभी मैं इसको एक दफ़ा दोबारा दिखाऊंगा. ठीक है, अच्छा, सो अब हम फिर कह रहे हैं, वील टेक अ DNA माइक्रो एरे, और यू कुड इवन कॉल इट अ जीन चिप और अ DNA चिप, देर ऑल द सेम, इट्स द सेम वर्ड. ठीक है, इट्स द सेम थिंग. ओके, सो आई टेक अ DNA माइक्रो एरे दैट इज स्पॉटेड, बट स्पॉटेड जस्ट मीन्स कि इसमें जो बॉक्सेज हैं, स्पॉट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास कौन से? DNA माइक्रो एरे दैट इज स्पॉटेड विद, ओके, इम्पॉर्टेंट, विद जीन प्रोब्स विच आर रेलिवेंट. ओके गाइज, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो माइक्रो एरे के अंदर आई कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट जीन प्रोब्स, बट आई वॉन्ट द माइक्रो एरे टू बी रेलिवेंट. ओके, आई वॉन्ट द माइक्रो एरे टू बी रेलिवेंट. वॉट डू आई मीन बाई दिस? गाइज, लेट्स से दैट आई हैव अ हेपेटोसाइट. ओके, अ हेपेटोसाइट, अ हेपेटोसाइट इज अ लिवर सेल. ओके, एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट क्योंकि इसमें कौन से जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं. सो गाइज, आई विल बी यूजिंग अ रेलिवेंट माइक्रो एरे, बिकॉज अ माइक्रो एरे कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट
a lot of different gene probes, right? Bahut zyada, like I believe there are around 20 to 25,000 different genes that are expressed in the human body. I don't like, main ye nahi kar sakta main saron ko ek hi microarray pe dal do, it will be too time consuming and it will be a, you know, a very futile thing to do. So guys, ab main ek relevant microarray banaunga jisme wo wale genes hain which are normally coded in the hepatocyte or genes that I'm trying to study. Theek hai, ki I'm trying to study and I have a video coming up on this as well. To ye hamare paas cheez aa gayi. Okay, DNA microarray that is spotted with gene probes that are relevant. So guys, if you get a 5 or 6 mark question, this is one of those things this which you have to write, otherwise you will lose a mark. Theek hai, so please make sure that you know about this. Okay, so ab hum logo ne kiya kya hai, we take the tagged cDNA. All right guys, one more thing, ek second, tagged cDNA ka jo solution hai, tagged DNA cDNA solution, and हम इस टैग्ड सी डी एन ए सोल्यूशन को मिक्स कर देते हैं अपने माइक्रो रे के साथ. ठीक है गाइस, जस्ट अ क्विक थिंग यार, यहाँ पे मैंने लिखा था एम आर एन ए इज ऑल द एम आर एन ए इन द सेल. सो वी टेक ऑल द एम आर एन ए इन द सेल, वी कन्वर्टेड इन टू द सी डी एन ए. ठीक है, और फिर हम सी डी एन ए को टैग करवाते हैं. ठीक है, और जो टैग्ड सी डी एन ए होता है, ठीक है, उसको अब हम लोगों ने माइक्रो रे के अंदर मिक्स कर दिया. ठीक है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट जीन्स. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली किसी भी सेल में एक एम आर एन ए नहीं होना, इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू हैव एटलीस्ट अ डजन डिफरेंट एम आर एन एज, विच मीन्स अ डजन डिफरेंट प्रोटीन्स आर बींग एक्सप्रेस्ड. ठीक है, सो अब ये जो एक मिक्सचर सा था, इसको मैंने ना अपनी माइक्रो एरे के अंदर डाल दिया है. ठीक है, ऑलराइट, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू गिव इट सम टाइम. ठीक है, थोड़ा सा मैं उसे टाइम दूंगा ताकि वो हमारे पास हाइब्रिडाइज हो जाए. ओके, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड. होगा क्या कि जो हमारा सी डी एन ए है ना, दिस इज़ गोइंग टू गो एंड अटैच टू द जीन प्रोब्स. Guys, this process is called hybridization of DNA. ठीक है, hybridize. This is an important word to know. Hybridize. Okay? So, अब ये हम लोगों ने कर लिया. अच्छा guys, अब मेरी एक बात सुनो. ठीक है, अगर मेरे पास जो सी डी एन ए है दैट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द जीन प्रोब्स, हाइब्रिडाइजेशन होगी? हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी. ठीक है, I'll clear this out with a couple of examples. Okay? अच्छा, इसके बाद आठवां स्टेप क्या होगा कि मैं लेजर्स के थ्रू ना, what I'll do is कि using my lasers I'm going to be scanning. ठीक है, and I'm going to scan and see कि अच्छा फ्लोरेसेंस किस कौन से डब्बों में हो रहा है. ठीक है guys, so ये मेरे पास सारी चीज़ आ गई. ठीक है, okay, I know it's all over the place. ठीक है, now let's try to bring it all together. Okay guys, so now let's map all of it together. Okay, let's map all of it together. Okay, so guys, over here we have a microarray, we have a gene chip, we have a DNA chip, whatever. Okay, okay guys, ab meri please thodi si baat sun lo, meri please thodi si baat sun lo. Okay, let's say jo ye wala box hai, which is 1E, let's write a couple of these. Okay, let's just use a couple of these as an example. Let's say there's 1E, there's 6D, then there's 3C, एंड वन मोर लेट्स गो विद 2A. ओके गाइज, अब बाकी भी हैं, हमें परवानी है, हम इनको इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेरे पास ना 1E इज कोडिंग फॉर, 1E रिप्रेजेंट्स जीन एक्स, जीन वाई, जीन जी एंड जीन डी. ओके, ये सारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं. अच्छा, अभी माइक्रोएरे कोई रैंडम माइक्रोएरे नहीं था, दिस वाज अ माइक्रोएरे दैट आई हैड स्पेसिफिकली क्रिएटेड. ठीक है, स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर अ हेपेटोसाइट. ठीक है, कि मैं एक हेपेटोसाइट का मैंने जीन एक्सप्रेशन चेक करना था, तो मैंने उसके लिए ये माइक्रोएरे क्रिएट करवाया था. मतलब ये जो जीन्स हैं, दे नॉट जस्ट रैंडम एस जीन्स, दीज आर जीन्स दैट आर स्पेसिफिकली present or should be present or should be expressed in a hepatocyte. Alright guys, so now what happens is I have a child and this child is complaining ke, okay, I have a liver problem. Theek hai, the child has some symptoms and I'm trying to figure out ke, I think ke, okay, you know, maybe some genes are not being expressed, that the gene expression is impaired. So I'm trying to figure out that, okay, which gene is not being expressed. So guys, what will I do? I will take the mRNA. एंड एम आर एन ए जितना सेल में पड़ा हुआ है सारा,
mRNA को मैं कन्वर्ट करवाऊंगा cDNA में, कैसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अच्छा, cDNA को मैं लेके उसको मैं टैग करवा दूंगा, सो आई हैव माय टैग्ड cDNA। अब इस cDNA को पकड़ के आई एम गोइंग टू एक्सपोज इट टू द माइक्रो एरे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एक्सपोज इट टू द माइक्रो एरे, एंड वंस आई हैव डन दैट आई एम गोइंग टू यूज़ माय लेजर्स टू स्कैन एंड रीड दिस, ठीक है। दिस इज एन एंटायर कंप्यूटराइज प्रोसेस। अच्छा, अब मेरी बात सुनो guys, listen to me. Let's say that the tag that I had used was green color, okay? And you know what turns out? हमारे पास ना यहाँ पे फ्लोरेसेंस होता है, एक सेकंड, मेक इट स्मॉलर, नो आई कांट, ओके। सो यहाँ पे फ्लोरेसेंस हो रहा है 1E के ऊपर, एंड गाइज लेट्स से मेरे पास 6D के ऊपर फ्लोरेसेंस हो रहा है, एंड देन लेट्स से मेरे पास 3C के ऊपर भी फ्लोरेसेंस हो रहा है, ठीक है, बट आई हैव नो फ्लोरेसेंस एट 2A. तो 2A विच इज़ ओवर हेयर, आई हैव नो फ्लोरेसेंस ओवर हेयर, ठीक है गाइज। इसका क्या मतलब है? जीन X सही एक्सप्रेस हो रही है, जीन Y सही एक्सप्रेस हो रही है, जीन Z सही एक्सप्रेस हो रही है, बट जीन D सही एक्सप्रेस नहीं हो पा रही, ठीक है। सो नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस माइक्रो एरेइंग टेस्ट, ठीक है, आई एम एबल टू फिगर आउट दैट ओके, इस बच्चे में जो लिवर का मसला हो रहा है, और मैंने इसका जो हेपेटोसाइटिक लिवर सेल एक्सट्रैक्ट करके उसका mRNA इस्तेमाल करके मुझे ये पता चला है कि इस बच्चे में जीन डी एक्सप्रेस नहीं हो रही, ठीक है, इस बच्चे में जीन डी एक्सप्रेस नहीं हो रही, एंड दिस इज़ हाउ आई डू माइक्रो एरेइंग। ओके गाइज, लिसन टू मी वन थिंग, माइक्रो एरेइंग करने के बहुत डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे हम माइक्रो एरेज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में यू नीड टू नो दिस वन टेक्निक, एंड यू नीड टू नो एक टॉपिक है, एक सब टॉपिक है, कंपेयरिंग जीन एक्सप्रेशन इन हेल्दी एंड डिजीज सेल्स, एंड आई वॉन्ट टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, ठीक है। सो आई वॉन्ट, इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो, लाइक प्रॉब्ली 5-6 मिनट्स, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट, और वो हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। उस वीडियो में वील ऑल्सो टॉक अबाउट अ कपल मोर थिंग्स, देर इज इलेक्ट्रोफ्रीसिस एंड हाउ इलेक्ट्रोफ्रीसिस डिफर्स फ्रॉम माइक्रो एरेज। सो आई एम सॉरी टू लीड यू ऑन लाइक दिस, बट आई थिंक लेट्स स्ट्रैप इट ओवर हियर, और वो बाकी चीज़ें फिर हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, एंड आई होप नाउ माइक्रो एरेइंग इज स्टार्टिंग टू मेक सेंस, ठीक है। And that's all, and see you guys in the next scary video. Allah Hafiz.